हेलो गाइज, आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है लेकर के उसकी एग्जाम कब होगी, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी एग्जाम किस तारीख होगी। अब यहाँ पर पूरा कंफर्म हो चुका है, ये देखिए यहाँ पर 23 दिसंबर 2019 की बड़ी खबर है, आज की खबर है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, पूरी जानकारी आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए जानकारी देख लेते हैं। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप जेईई मेंस की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर जानकारी में लिखा हुआ है आयुक्तालय से ये जारी किया गया, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से जारी किया गया है ऑफिशियल नोटिस। प्राचार्य समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को यहाँ पर पत्र लिखा गया है। तो क्या पत्र लिखा गया है जानिए। विषय आयोग द्वारा दिनांक 3/1/2020 से 13/1/2020 तक आयोजित प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 महाविद्यालय में शैक्षणिक अवकाश घोषित किया जाता है, यानी कि महाविद्यालयों में 3 तारीख से 13 तारीख तक अवकाश घोषित किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए संदर्भ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का पत्र क्रमांक वगैरह यहाँ देख सकते हो, ये यहाँ जारी किया गया है। सारी महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भ पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा दिनांक 3/1/2020 से 13/1/2020 तक आयोजित प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों पर आयोजित कराई जाएगी। तो सभी जगह परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। अतः निर्देश किया जाता है कि प्रधानाध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 के आयोजन हेतु राजस्थान के समस्त जिला मुख्यालयों में स्थित जिन महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किया जाता है, संबंधित महाविद्यालय को प्राचार्य इन परीक्षाओं को कराने के में सहयोग प्रदान करेंगे। दिनांक 3/1/2020 से 13/1/2020 को कार्य दिवस होने से परीक्षा कार्य सुधारू रूप से संपन्न करावे हेतु शैक्षिक कार्य स्थगित रहेगा। तो यहाँ पर जो शैक्षिक कार्य है वो स्थगित रहेगा परंतु कार्यालय खुले रहेंगे, प्रशासनिक कार्य यथावत रूप से जारी रहेगा। महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक कर्मचारी भी उक्त दिवसों में महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उक्त कार्य दिवसों में हुए शैक्षणिक कार्य व्यवस्थाओं व्यवधानों को प्रधानाचार्य अतिरिक्त कक्षाएं लगवाकर पूर्ति करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो 10 दिन तक आपकी छुट्टियां होगी, छुट्टियों में आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर जो भी नुकसान होगा विद्यार्थियों को, वो वहाँ पर क्या करेगा प्रधानाध्यापक, उनको दोबारा से पढ़ाएगा अलग क्लासें लगा करके। दिनांक 5/1/2020 से एवं 12/1/2020 को कार्य दिवस नहीं होने से प्राचार्य आवश्यकतानुसार शैक्षणिक वो अशैक्षणिक कर्मचारियों को ड्यूटी पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान करें। तो यहाँ पर ये साइन वगैरह देखिए, ये पूरा जारी किया गया डॉक्टर दीपक मेहरा जी के द्वारा। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हो अब आपकी परीक्षा होना तय हो गया है 3 तारीख से 13 तारीख तक। तो जिन विद्यार्थियों ने तैयारी की है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो तैयारी अभी शुरू कर दें, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, आपने मेहनत की और आपका मेहनत का फल कुछ तो नज़र आया। पर नहीं होने के बावजूद भी यदि परीक्षा स्थगित नहीं होती है, अब आपने इतना कर दिया है फिर भी आपकी परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है दोस्तों, तो आप एक काम कीजिए, आप धरना स्थल पर बैठे रहिए कोई बात नहीं, पर वहां पर भी कम से कम YouTube वीडियो खोल करके या कुछ मैटर लेकर के आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ताकि गलती से कहीं पास हो जाएं तो अच्छी बात रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, तो आपसे इसी बात को हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं सभी विद्यार्थियों से जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कोई घर पर पढ़ रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है। 3 तारीख से आपकी परीक्षा होने जा रही है और आपके पास समय आप खुद को पता है कितना हो गया है, मात्र 10 दिन का समय है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से तो हार्दिक बधाई हो कि आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।